हमारे करौली के मासनपुर उप तहसील जहाँ पे जहाँ की तीन पंचायतें जिन पर DDT पाउडर का समय पर छिड़काव नहीं होने की वजह से तीनों पंचायत के लोग आज भी मलेरिया से पीड़ित हैं और अपने मेहनत की कमाई को खर्च कर कर अपने इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। क्या कारण है कि यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहता है? फूल पड़ते हैं, अब आती है साहब ड्यूटी दे दी, घंटे तो घंटे रुकी चले गए तो चले जाते हैं। उसके लिए आपने क्या किया? कह दिया, कई दफे शिकायत कर दी हमने, तो वहाँ तक शिकायत करी है, कहाँ है वो शिकायत रखी होगी इसके पास, शिकायत करी हमने तो। मैं मासलपुर उप तहसील के गुर्दे पंचायत में गई तो देखा कि वहाँ हॉस्पिटल के चारों तरफ गंदगी गंदगी का आलम, कीचड़, पानी इस तरह भरा हुआ है जिसका कहे, और उप स्वास्थ्य केंद्र कभी खुलता ही नहीं है। वो तो वहाँ के लोगों का बताना था, लेकिन मैं भी खुद 11-12 बजे के समय पहुँची तो वहाँ पे भी लॉक लगा हुआ था। यहाँ की हॉस्पिटल की ये व्यवस्था है ना, तो इसमें कूड़ा करकट इतना पड़ा हुआ है कि जिसकी बेहद, तो चारों बगल से मतलब बाउंड्री फैली हुई है, कंपाउंड की कोई व्यवस्था नहीं है। गुवरेड़ा पंचायत है, भांकली है, 3-4 पंचायत ऐसी हैं कि जो डांग एरिया में आती है वहाँ पे वैसे भी मलेरिया से पीड़ित ज़्यादा व्यक्ति मिलते हैं। ऐसी स्थिति में भी वहाँ पे ना तो कोई DDT पाउडर का छिड़काव होता है, ना तो कोई डिटर्जेंट पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं है, और इससे मलेरिया वगैरह, हैजा और टाइफाइड, मतलब कई तरह की बीमारी फैलती है। ऐसे कितने पेशेंट परेशानी भोगते होंगे साल भर में? साल भर में कम से कम इस पूरी आबादी को एक ना एक दो बार तो हो जाता है, 250-300। उस स्थिति में कहाँ जाते हो आप? कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल करौली है मासलपुर। उसमें कितना खर्चा होता है आपका? उसमें 1,500-2,000, 10-10 हज़ार जयपुर भी रेफर हो सकता है। कितने दिन पहले का छिड़काव हुआ है यहाँ पे दवाइयों का? यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं है छिड़काव कैसा होता है। उसी के साथ में वहाँ के उप सरपंच से मिली तो उप सरपंच का कहना था कि हमने भी कई बार लिखित में दिया लेकिन आज तक कोई छिड़काव नहीं होता है, और मैं खुद ही मलेरिया से पीड़ित हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मलेरिया से कितने लोग प्रभावित होते हैं? अब हम ही रहे, खुद हम ही मच्छर खा रहे हैं, हम ही रहे हैं। उसके लिए क्या किया आपने अब तक? अब कई बंदे 2-3 दफा कह दी दवा छिड़क भाई आई नहीं है। किससे कहा था आपने? वहाँ से कह दी, नर्स से कह दी, सरपंच से कह दी। जबकि मासलपुर उप तहसील अस्पताल में आज की तारीख में भी स्टॉक रूम में 22 कट्टे मौजूद है, यदि उन कट्टों का समय पर छिड़काव कराया जाए तो मेरा मानना है कि वो एरिया में मलेरिया, हैजा, टाइफाइड नहीं फैले। हम करौली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निवेदन करते हैं कि मासलपुर की तीनों पंचायतों पे समय पर छिड़काव करवाएं, वहाँ के इंचार्ज को पाबंद किया जाए जिससे वहाँ पे मलेरिया से लोग पीड़ित ना हो, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नंबर है 0744-220-150। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।